पानीपत में 7 मार्च को एक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड काल में समाज में काम करने वाली महिलाओं को सम्मान देकर महिला दिवस मनाया जाएगा। ये बात मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कही। उन्होंने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में सिरसा लोकसभा से सांसद सुनीता दुग्गल और बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष निर्मल बैरागी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्कूली बच्चियों को शिक्षित करने के साथ साथ सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जाएगा, साथ ही समाज के लिए काम करने वाली दिव्यांग महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष काजल गोस्वामी ने कहा कि गांव की महिलाओं में कॉन्फिडेंस होने के बावजूद वह घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती, इसके लिए अभियान चलाकर उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वह लीडरशिप करें, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाएगा। खासकर मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की अलग जगह कर उन्हें आगे लाया जाएगा। दिवस 1 से 8 तारीख तो जो महिला दिवस मनाया जाता है, हमने 1 से 8 तारीख तक हमने महिलाओं के प्रोग्राम किए हुए हैं, जिसमें एक जिले स्तर पे हमने बड़ा प्रोग्राम किया है 7 तारीख को संडे को 11 बजे SGBM स्कूल में। तो उसमें हम हर जिले की सभी बहनें हम वहाँ पर एकत्रित होंगी और वहाँ पे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगी और एक दूसरे का हम जो हमारा महिलाओं का त्यौहार है, जो ये पर्व है, उसको हम मनाएंगे। कोविड के टाइम पर डॉक्टर के तौर पर, नर्स के तौर पर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी के तौर पर, खाना बनाकर, जैसे NGOs के माध्यम से जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज की सेवा करी है, अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, ऐसी महिलाओं को जो है हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस बार 7 तारीख को SD विद्या मंदिर में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा जिसका आयोजन किया जा रहा है, और उसमें हमारी मुख्य अतिथि हमारी सिरसा लोकसभा से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन निर्मल बैरागी जी होने वाली हैं, और उसमें हम उन सारी कोरोना योद्धा महिलाओं को सम्मानित करने वाले हैं। और साथ ही साथ जगह जगह पर गांव-गांव में हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दे रहे हैं, और 8 तारीख को फिर हम 2-3 कार्यक्रम और करने वाले हैं, जिसमें एक होगा सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्कूलों में, जो है वो बेटियों को कैसे वो महामारी के टाइम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किस तरीके से कपड़े के बजाय सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। फिर शाम को जो है उस कार्यक्रम का आयोजन हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री बहन इंदु कुकरेजा जी कर रही हैं, उसमें कुछ दिव्यांग महिलाएँ, जो बहनें दिव्यांग होने के बावजूद भी समाज सेवा दे रही हैं या अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रही हैं, उन बहनों को हम मेलाराम पार्क में सम्मानित करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही अब महिला मोर्चा द्वारा ये कड़ी जो है वो लगातार आगे चलती रहेगी। गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं के साथ क्या होती है कि जो गाँव की महिलाएँ होती हैं वो घर से बाहर निकलने में कम बिलीव करती हैं, वो घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, बट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी होता है गाँव की महिलाओं के अंदर कि यदि वो कुछ ठान लेती हैं वो करती भी हैं। मैं भी एक गाँव की हूँ और मैं गाँव की बहू यहाँ पर आई थी। मैं भी एक महिला होकर, गांव की होकर मैंने लीडरशिप किया है, तो मेरे को उम्मीद है कि जब वो और भी निकलेगी उनके अंदर भी इतना आत्मविश्वास भरेगा कि वो भी लीडरशिप को अच्छे से संभालेंगी। क्या नया करना जा रहे हैं आपकी बात? हमारे ज़िले में नया तो जी हर बार होता है, पर हम फिर भी आपसे मैम के मार्गदर्शन में हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि हम भी कुछ अच्छा करें। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होगी कि जो गाँव में जो हमारे गाँव की महिलाएँ हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, लोगों को नॉलेज तो है बट बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो हम ज़्यादा मोमडन्स लेडीज़ों को और गांव की बेटियों को शिक्षित करना चाहते हैं। मेरा मोटिव यह है कि गांव की हर गली की हर घर की बेटी शिक्षित हो। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।